मामला अमायन थाना क्षेत्र का है, जहां पति ने फावड़े से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पति आत्महत्या करने के लिए स्वयं भी कुएं में कूद गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर पति सीबू को बाहर निकाला और घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। वही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। को मारने के बाद फिर वो कुएं में कूद गया था, एक सूखा कुआं था करीब 30-40 फीट का, उसमें जो कूद गया। तो उसके बाद इसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इसको काफ़ी चोटें आई। तो जब ये करा रहा था तो कुछ लोगों ने इसकी आवाज़ सुन के इसको देखा, इसको बाहर निकाला तो काफ़ी स्थिति इसकी खराब थी। तो उसमें इसको स्थिति को देखते हुए इसको ग्वालियर रेफर किया गया, जहाँ वर्तमान में भी ये उपचाररत है। इनका ये पति पत्नी थे, 2017 के करीब इनमें शादी हुई थी। फिर बीच में इनका किसी बात को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही पत्नी जो है वो आके इसके साथ वापस रह रही थी, और उसी के बीच में संभवतः इनके बीच में कुछ आपसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसको लेकर ये घटनाक्रम हुआ होगा। अब जैसे वो उससे बातचीत होगी पति से और पूछताछ हो पाएगी, तब पता चलेगा कि इसका असली कारण क्या है।